दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हर जगह इनसाइडर और आउटसाइडर की बात हो रही है, और ये बात सही भी है कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनसाइडर को ज़्यादा वैल्यू मिलती है कम्पेयर टू आउटसाइडर। आज हम 10 ऐसे आउटसाइडर के बारे में बात करेंगे जिसको पब्लिक ने तो अपना लिया था, मगर शायद बॉलीवुड ने अभी तक उनको अपनाया नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक बॉलीवुड वालों ने कोई बिग बजट मूवी या किसी भी बिग बैनर ने अपनी मूवी में साइन नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दो, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। नंबर 1, विक्रांत मैसी। अपॉर्चुनिटी को और चैलेंज को रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट करना, उसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे अगर एक पार्ट मिलता है तो मुझे ये भी पता है कि उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए 500 लोग खड़े हैं। मैं उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैसे उस पर कैसे खड़ा। विक्रांत मैसी ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत लुटेरा से किया था। लुटेरा के बाद उन्होंने दिल धड़कने दो और हाफ गर्लफ्रेंड में काम किया था। तीनों ही फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, मगर तीनों कैरेक्टर को विक्रांत ने बहुत ही खूबी से निभाया था। विक्रांत मैसी को फैंस ने वेब सीरीज मिर्जापुर में पसंद किया, जहां वो बबलू नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। बबलू का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेब सीरीज मिर्जापुर में। मिर्जापुर के बाद विक्रांत मैसी ने एक और वेब सीरीज में काम किया है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस में विक्रांत मैसी ने एक अलग ही रोल प्ले किया है जिसमें उनकी एक्टिंग कमाल की है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। विक्रांत मैसी ने जिस तरह से एक्टिंग की है, वैसी एक्टिंग करना कोई भी एक्टर के लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। नंबर 2 में हमारी लिस्ट में है अली फजल। अली फजल को भी फेम वेब सीरीज मिर्जापुर से ही मिली है दर्शकों के बीच। अली फजल ने अपने करियर की शुरुआत एक बिग बजट मूवी 3 इडियट के साथ की थी। उसमें उनका रोल बहुत छोटा सा होता है। उनके बाद अली फजल बहुत सारे फिल्मों के साइड रोल करते हुए नजर आए। अली फजल को ऑडियंस के बीच थोड़ा फेम मूवी फुकरे से मिली है। फुकरे मूवी में अली फजल ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी होती है और फैंस को भी काफ़ी पसंद आती है, मगर ये मूवी से उनको वो फेम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अली फजल को फैंस ने वेब सीरीज मिर्जापुर में ही अपनाया, जहाँ वो एक गुड्डू का रोल प्ले करते हैं। गुड्डू के रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया, इतना कि जब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आते हैं या कोई भी पोस्ट करते हैं तो लोग नीचे यही कमेंट करते हैं कि गुड्डू भैया मिर्जापुर 2 कब आ रही है। अली फजल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये रोल प्ले कर पाऊंगा और लोग इस रोल को इतना पसंद करेंगे। नंबर 3 पे आते हैं देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत प्यार का पंचनामा से किया है। प्यार का पंचनामा में वो लिक्विड कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। इस रोल के लिए उनको स्क्रीन अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग मेल न्यूकमर का अवार्ड मिला था। आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा ने प्यार का पंचनामा के पहले माधुरी दीक्षित के साथ आजा नचले मूवी में साइड रोल किया है। देवेंद्र शर्मा को काफ़ी साइड रोल्स मिले थे प्यार के पंचनामा के बाद, लेकिन उनको ऑडियंस के बीच वो फेम नहीं मिल पाया। देवेंद्र शर्मा को फाइनली फेम मिर्जापुर वेब सीरीज से मिला है, जिसमें एक मुन्ना त्रिपाठी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। मुन्ना त्रिपाठी कैरेक्टर मिर्जापुर वेब सीरीज में एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल होता है। नेगेटिव रोल के बावजूद उनको ऑडियंस के बीच अलग ही फेम मिला है। ऑडियंस के बीच उनकी एक्टिंग देखने के लिए लोग मिर्जापुर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4 पे आते हैं अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी को आप लोग शायद हथौड़ा त्यागी के नाम से जानते होंगे। अभिषेक को ऑडियंस के बीच वेब सीरीज पाताल लोक से फेम मिली है। पाताल लोक पे अभिषेक का एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको ऑडियंस बहुत पसंद करती है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि अभिषेक बैनर्जी ने अपने करियर की शुरुआत एक ब्लॉकबस्टर मूवी रंग दे बसंती से की है। रंग दे बसंती के बाद अभिषेक ने काफ़ी अच्छी मूवीज की है। अभिषेक फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर में भी नजर आए हैं, लेकिन उनको ऑडियंस के बीच वो फेम नहीं मिल पाया जो उनको पाताल लोक में मिला था। नंबर 5 पे आते हैं हमारे लिस्ट में जयदीप अलावत। जयदीप अलावत को भी ऑडियंस के बीच फेम वेब सीरीज पाताल लोक से ही मिला है। पाताल लोक में जयदीप अलावत एक इंस्पेक्टर का रोल करते हैं। जयदीप अलावत के कैरेक्टर का नाम हाथीराम चौधरी होता है, जिसको ऑडियंस ने बहुत ही प्यार दिया है। जयदीप की अपने करियर की डेब्यूट आक्रोश मूवी से थी। उसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ खट्टा मीठा में नजर आए। जयदीप को ऑडियंस के बीच थोड़ा फेम गैंग्स ऑफ वासेपुरा से मिला है, मगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्टार कास्ट बहुत सारे थे, जिसकी वजह से जयदीप को वो फेम ऑडियंस के बीच नहीं मिल पाया। फाइनली उनको वेब सीरीज पाताल लोक मिला, जहां उनको फेम मिला जो वो डिजर्व करते थे।
नंबर 6 पे आते हैं विजय वर्मा। विजय वर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चिटागोंग मूवी से की थी जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। विजय वर्मा के पेरेंट्स उनके एक्टिंग करियर के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि विजय वर्मा अपनी लाइफ एक्टिंग की दुनिया में बनाए। विजय वर्मा बॉलीवुड में 2012 से काम कर रहे हैं, मगर उनको ऑडियंस के बीच थोड़ा फेम मूवी पिंक से मिली है जो कि 2016 में रिलीज हुई है। फाइनली उनको गली बॉय से ऑडियंस के बीच एक अलग ही पहचान मिली। और रिसेंटली विजय वर्मा हमें विद्युत जामवाला के साथ यारा मूवी और टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 में नजर आए। और विजय वर्मा फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 में भी नजर आने वाले हैं। नंबर 7, गुलशन देविया। गुलशन देविया एक ऐसे एक्टर है जो हर तरह का रोल प्ले कर चुके हैं। गुलशन देविया अपने करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म दैट गर्ल इन येलो से किया है। शॉर्ट फिल्म करने के बाद गुलशन देविया ने बॉलीवुड में एंट्री विक्रम भट्ट की फिल्म हेट स्टोरी से की है। उसके बाद गुलशन देविया फिल्म रामलीला और कमांडो 3 में भी नजर आए। कमांडो 3 में वो एक विलन का रोल किया है जो काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। गुलशन देविया ने फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। अगर आप लोगों को गुलशन देविया की बेस्ट एक्टिंग देखनी है तो आप वेब सीरीज अफसोस में देख सकते हैं जिसमें उन्होंने एक अलग ही कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। नंबर आठ पे आते हैं विजयराज। विजयराज को शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि विजयराज बॉलीवुड में 1999 से काम कर रहे हैं। उनको करीबन बॉलीवुड में 20 साल से ज़्यादा हो गया है। विजयराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 साल से ज़्यादा लग गए, मगर कोई भी स्टार किड्स को यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ईजी और सिंपल होता था। विजयराज ने अपनी करियर में हर तरह का रोल प्ले कर चुके हैं। वो अपने कैरेक्टर को इस तरह से प्ले करते हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, उनका रोल कितना भी छोटा हो, वो अपने कैरेक्टर को एक अलग ही पहचान देकर जाते हैं। विजयराज को हमने अपने इस लिस्ट में इसीलिए डाला है क्योंकि हम उनको एक लीड कैरेक्टर रोल में प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। आपका विजयराज की एक्टिंग कैपेबिलिटी को लेके क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक कौन रह गया? नंबर 9 पे आते हैं अमित साध। अमित साध की काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। उन्होंने 16 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के बाद वो दूसरों के घर में बर्तन साफ किया करते थे। At the age of 16, I was washing utensils at somebody's house, and back in the day, the terminology knocker, उस समय outsider insider नहीं था, ये आज का phenomenon है, उस समय knocker थे। अमित साध ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में टीवी शो से किया था। अमित साध ने बॉलीवुड में डेब्यू सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार रॉय के साथ किया है। काइपो 6 मूवी में तीनों कैरेक्टर को बॉलीवुड से काफ़ी तारीफें मिली थी, मगर अमित साध ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि काइपो 6 मूवी के बाद उनको कोई भी बिग बजट मूवी नहीं मिली। ये बात सही है कि अमित साध को काइपो 6 मूवी के कई सालों बाद हमने गुड्डू रंगीला में देखा था। वही बात करें सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार रॉय की, तो सुशांत को यशराज फिल्म में साइन कर लिया और राजकुमार रॉय को काफ़ी मूवीज के ऑफर आने लगे। अगर आपने काइपो 6 मूवी नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। वो मूवी ऐसी है कि उसमें अमित साध का एक अलग ही कैरेक्टर है जो स्टार्ट में कुछ और रहता है और एंड तक एकदम बदल जाता है। किसी भी एक्टर के लिए कैरेक्टर को एक ही फिल्म में दो तरह का रोल प्ले करना काफ़ी ही मुश्किल काम होता है। अमित साध को थोड़ा फेम मूवी सुल्तान से मिला है, जिसके बाद वो कई बिग बैनर मूवीज में साइड कैरेक्टर रोल प्ले करते हुए नजर आए। फाइनली ऑडियंस ने अमित साध को वेब सीरीज ब्रीद में अपनाया, जिसमें वो एक इंस्पेक्टर का रोल करते हैं। वेब सीरीज ब्रीद में आर माधवन जैसे एक्टर होने के बावजूद ऑडियंस का अटेंशन अपनी साइड लेने कोई आसान काम नहीं है। लॉकडाउन के दौरान अमित साध हमें बहुत सारे वेब सीरीज में नजर आए। लॉकडाउन में दो ही लोग दिख रहे थे, सड़कों पे सोनू सूद और वेब सीरीज में अमित साध। हम होप करते हैं कि बॉलीवुड उनको बहुत जल्दी ही कोई बड़ी फिल्म में एज अ लीड एक्टर साइन करे। नंबर टेन पे ऐसे एक्टर है जो हमने अपने लिस्ट में डाला है जिसको आप बॉलीवुड के किसी भी बड़े एक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, और वो उनसे काफ़ी गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। हम बात कर रहे हैं विद्युत जामवाला की। विद्युत जामवाल की ऑडियंस टाइगर श्रॉफ से कंपेयर करते हैं, लेकिन विद्युत जामवाल टाइगर श्रॉफ से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। हम उनको एक बार ऋतिक रोशन से कंपेयर कर सकते हैं। विद्युत जामवाल को हमें इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इतना टैलेंट और फैंस का क्रेज़ होने के बावजूद
बॉलीवुड ने अभी तक उनको बिग बजट मूवी में कास्ट नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में तो तहलका मचा है, शायद अब बॉलीवुड वालों की आंखें खुल जाएंगी और ऐसे एक्टर को एक अलग ही वैल्यू देंगे। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करें और इनकी मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो भी आती है उनको ज़रूर देखें। ऐसे और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जिनको हमने ये लिस्ट में ऐड नहीं किया। अगर इस वीडियो को 1K लाइक्स मिलते हैं तो हम इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे। चलो गाइस, दिस इज़ रैप ऑन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।